हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3A. ओके, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ओके, इसी में सेकंड भी है आल्सो, चेक द रिजल्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको रिजल्ट भी चेक करने हैं कि जो आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर है क्या वो राइट है या नहीं. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए 96 का टेबल प्रिपेयर कर दिए हैं और 96 से हमें डिवाइड करना. ओके, तो 96 का टेबल अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया किस तरीके बनाते हैं. ऐड करके बना सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन से भी आप बना सकते हैं. ओके, आप इसे अगर टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं साइड में तो आपको डिविजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. तो देखिए 96 का आपको डिवाइड करना है. ठीक है, 96 310 750 इस तरीके आप बना लेते हैं. ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पे जो जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइडेड और जिस नंबर से करते हैं उसे डिवीजन. जब आंसर आपको मिलता है वो क्वेश्चन, जो डाउन साइड में मिलता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं. ओके, तो अब देखिएगा 96 यहाँ पे 31 तो नहीं होगा, 310 ये जा सकता है, 396 310. अब देखिए वो कितने टाइम जाएगा, 1 2 3 4, 384 मैक्सिमम, ज़्यादा हो रहा तो हम मिनिमम पे आते हैं 288, लेस देन पे आते हैं. ठीक है ना, 1 2 3 यानी 3 टाइम्स तो हमारा हो गया क्या 288. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस 10 से 8 2, यहाँ 10 से 8 2 यहाँ पे कैंसिल. नेक्स्ट नंबर आपका है 7 227 227, देखिए आपका 192 यानी 2 0, तो आपका क्या आ जाएगा 192. ओके, यहाँ पर कैंसिल 35. अब आपका आता है 5 355. अब देखिए 96 का 355 384 मैक्सिमम 3 जा 388 माइनस कीजिए, यहाँ पे कैंसिल 5 यहाँ पे नॉट हो गया, अप टू 672 चेक करिए, 672 ये देखिए आपका आ रहा है 672 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. ओके, ये देखिए आपका 7 टाइम में आ जाएगा 672 कैंसिल यानी रिमाइंडर आपका 0. ओके, तो आपका क्या आया, क्वेश्चन क्या आया आपका 2 3 2 3 7, आप यहाँ राइट कर दीजिएगा क्वेश्चन 3 2 3 7 और रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर आर यानी 0. ओके, ये क्वेश्चन और रिमाइंडर आपका हो गया. अब इसे कह रहा है आल्सो चेक द रिजल्ट, यानी रिजल्ट को भी आपको चेक करना है. अब रिजल्ट जब हम चेक करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला हमारा होता है डिवाइडेड इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन. हम क्यों लिखेंगे शॉर्ट में, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए उसको आपको समझ लीजिएगा. क्यों क्वेश्चन प्लस आर, आर आपका रिमाइंडर हो गया. ओके, अब आपका डिवाइडेड देख रहे हैं ना कितना है, 310 752. अब आपको यहीं पे सॉल्यूशन करके, ये लेफ्ट हैंड साइड में है डिवाइडेड, राइट हैंड साइड में भी यही लाना है आपको. डिवीजर आपका क्या है, डिवीजर मैंने आपको बताया था जिससे हम करते हैं डिवीजर 96. क्वेश्चन क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है 3 2 3 7 और रिमाइंडर आपका क्या होता है, जो डाउन साइड में आंसर आता है यहाँ पे 0. ओके, ये देखना है. अब आपको राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन करना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व है, इसको आपको नहीं करना, आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल कर देना. अगर इक्वल हो गया तो आपका आंसर बिल्कुल चेक्ड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो बिल्कुल राइट है. चलिए देखते हैं 96 का फर्स्ट टाइम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम डाउन साइड में यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना, 3 2 3 7 का मल्टीप्लाई 96 में ऐसे. ओके, 6 7 42 कैरी 4, 6 3 18 में 4 12 सॉरी 22 कैरी 2, 6 2 12 12 2 14 कैरी 1 90. ओके, 1 क्रॉस. अब 9 से करना है,
ठीक है। अब जब 9 से आप करोगे 3 6 कर 9 3 27 27 में 6 ऐड करने पर आपका आता है 33 33 का 3 कैरी 3 9 2 18 18 में 3 ऐड करेंगे 21 कैरी 2 9 3 27 27 टू 29। अब इन दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं 2 3 2 5 4 3 7 9 1 10 9 1 10 1 11 3। तो आपका आया क्या 3 1 0 7 5 2। आपको ऐड क्या करना है, 0 ऐड करना है। 0 ऐड करने पे आपका सेम वही नंबर हो जाता है, ये देख रहे हैं 310 752 310। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो आपका आंसर बिल्कुल चेक, यानी रिजल्ट बिल्कुल चेक हो गया, चेक यानी आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर जो भी आया है वो बिल्कुल राइट है। ओके, इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 का ए मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट टाइम आप क्या करिएगा, आप डिवाइड करिएगा, ठीक है। जब आपका ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आप टेबल प्रिपेयर कर लीजिएगा साइड में और आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है ना। क्वेश्चन और रिमाइंडर को आप ऐसे राइट कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, कहीं अप डाउन साइड में। क्वेश्चन रिमाइंडर राइट करने के बाद आपको फॉर्म चेक करना है कि हमारे ये राइट है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, आपको क्लियर करना है कि हमारा डिवीजन राइट है या नहीं, तो आप इसी प्रोफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हो कि डिवीजन हमारा राइट है कि नहीं है। अब आगे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला राइट करते हैं, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवाइडेड आपका जिसमें हम डिवाइड करते हैं 3 752 जिससे करते हैं 96 से कर रहे हैं बाई 96, तो 96 आपका डिवीजर हो गया। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन जो आंसर आता है अभी मैंने बताया था, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। आपका प्रोसेस यही चलेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जितना रिमाइंडर आता है उसको ऐड करते हैं, ऐसे डाउन साइड में कहीं जहाँ पे स्पेस होगा कर दीजिएगा। इस तरीके आपका रिजल्ट भी चेक हो जाएगा, आंसर भी फाइंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।